तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो जो हमारी कंट्री है वो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक बड़ी कंट्री है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए बोझ नहीं बल्कि वो हमारी कंट्री के लिए एक अच्छी रिसोर्स बन सकती है अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल केयर दी जाए। तो जो हमारे चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स उसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की वो उनके लिए एसेट होती है ना कि कंट्री के ऊपर बोझ होती है। और हम ये भी जानेंगे जो पॉपुलेशन होती है किसी भी की वो कैसे पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है ह्यूमन कैपिटल से। तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि द पीपल हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स टू डू सम प्रोडक्टिव वर्क, सच पीपल आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब ऐसे लोग जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है और स्किल्स होती है कोई भी प्रोडक्टिव काम करने की, ऐसे लोगों को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो भाई ये तो बता दो कि आखिर ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है? तो ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहली है एजुकेशन और दूसरी है हेल्थ। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर किसी को अच्छी एजुकेशन और अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी तभी तो वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी को एजुकेशन और मेडिकल केयर नहीं मिली तो क्या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। तो अगर हमें नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदलना है तो उसके लिए हमें अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी होती है। इसलिए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए और कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन और मेडिकल केयर दी जाए तो वो लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यार इसका क्या मतलब होता है? तो यार इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यार ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें पैसा मिलता है। तो हमें हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर से पैसा मिलता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब यार जो नेचर से रिलेटेड होते हैं ना वो सब इसके अंदर आते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो काम आते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कॉटन से कपड़े बनाना, सुगर केन से गुड़ बनाना, इसके अलावा कार मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मतलब हम इसमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट। तो इस टाइप की जो सर्विसेज होती है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको एक और तरीके से बांटा गया है, वो है मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिन्हें करने से हमें पैसा मिलता है, मतलब ये हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती है जिन्हें करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे कई सारे फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल खुद की जरूरत के लिए उगाते हैं अपने खाने पीने के लिए। तो ये किसके अंदर आता है? नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर आता है। अब दोस्तों हमारी कंट्री के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि कई सालों से चली आ रही है और आज भी हमें अपनी कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। तो वो प्रॉब्लम है डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर ऐसा होता है कि जो घर के कामकाज होते हैं उन्हें महिलाओं को करने पड़ते हैं और जो घर से बाहर जाकर पैसे कमाने का काम होता है उसे पुरुष करते हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैन होते हैं उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहीं जो फीमेल्स होते हैं उन्हें वही काम के कम पैसे मिलते हैं। ऐसा जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है। अभी यार आप खुद ही सोचा ऐसा आकर होता क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें जनरली कम पढ़ाया जाता है जिसके कारण उनकी स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं और इन्हीं दो रीजंस के कारण उनकी इनकम भी कम रह जाती है। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि हमारी कंट्री अब डेवलप हो रही है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काफी ज्यादा प्रयास कर रही है इस चीज को खत्म करने के लिए। क्योंकि एक बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि अगर वुमेन्स को भी अच्छी एजुकेशन और अच्छी स्किल्स मिल जाए तो वो भी अच्छा कमा सकती है और हमारी कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली है लिटरेसी रेट और दूसरी है हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो पहले हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग पढ़ या लिख सकते हैं। तो पहले हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ती गई। अच्छा आप खुद ही देखो, 1951 में हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट थी 18%, मतलब पूरी पॉपुलेशन में से मात्र 18% लोग ही पढ़ लिख पाते थे। और 1992 में हमारी लिटरेसी रेट बढ़कर हो गई 52%। और हाल ही में 2020 में हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट थी 77.7%। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बढ़ रही है लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि एजुकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख पाए। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी काफी ज्यादा एफर्ट लगाए थे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। पहली चीज गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाया जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जरूरी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकंड, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों के अंदर मिड डे मील स्कीम चलाई गई जिसके तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दोपहर का खाना भी दिया गया, जिससे फायदा क्या हुआ कि उनके अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई और उनका न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव हुआ। थर्ड, गवर्नमेंट ने छोटे छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चों पर भी ध्यान दिया और कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खोला गया जिससे उनकी हायर एजुकेशन भी इम्प्रूव हो सके। फोर्थ, गवर्नमेंट के द्वारा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय खोले गए जिससे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। फिफ्थ, इन 1951-52 में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो जीडीपी का 0.64% स्पेंड करती थी एजुकेशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इम्प्रूव किया और 2013-14 में जीडीपी का 3.3% स्पेंड किया एजुकेशन के लिए। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए थे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इन्हीं स्टेप्स के चलते हमारी इंडिया की लिटरेसी रेट इतनी इम्प्रूव हो पाई है। पर अभी भी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है और हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी इंडिया के अंदर और भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। अब दोस्तों, लिटरेसी रेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मेल की लिटरेसी रेट ज्यादा है, फीमेल की लिटरेसी रेट कम है। अर्बन एरिया की लिटरेसी रेट 16% ज्यादा है रूरल एरिया से। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला की है जो कि 96.2% और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है जो कि 70.9%। तो ये तो ही लिटरेसी रेट की बात। तो अब अपन बात करते हैं हेल्थ ऑफ अ पर्सन की। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो हमारी एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, पर दोस्तों जितनी एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है उतनी इम्पोर्टेंट किसी भी पर्सन की हेल्थ होती है। चलो मान लिया हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, पर भाई ये तो बता दो कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या है। तो गवर्नमेंट ने पहली चीज तो यही की है कि कई सारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज खुलवा दी गई हैं और साथ में हॉस्पिटल्स के अंदर कई सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि बेड्स की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, डॉक्टर्स की मात्रा भी बढ़ा दी गई है और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में हेल्थ चेकअप्स भी हो रहे हैं, कैंपेन लग रहे हैं। इसके अलावा कई सारे मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए गए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए। तो क्या वास्तव में लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई है? ऑफ कोर्स हुई है। पहले 1947 में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर, मतलब 1947 में ऑन एवरेज मात्र 32 साल तक लोग जीते थे, और 2021 आते आते लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर हो गई 70.8 ईयर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया, अपन बात करने वाले हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सीधा सा अर्थ होता है बेरोजगारी, मतलब किसी को काम चाहिए लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट 3 टाइप्स का होता है। पहला तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले अपन बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जब किसी के पास साल के कुछ महीनों में काम होता है और बाकी बचे हुए महीनों में वो फ्री बैठा रहता है, तो इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। जैसे मान लो कोई मूंगफली वाला है, तो वो मूंगफली कब बेचता है? जब मूंगफली का सीजन आता है, और बाकी महीनों में क्या करता है? फ्री बैठा रहता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की। जैसे मान लो एक खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन जरूरत केवल 3 लोगों की है, तो जो बचे हुए 2 एक्स्ट्रा लोग हैं जिनका होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता, तो ये 2 लोग किसके अंदर आएंगे? डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। लास्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो हमने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से ग्रेजुएशन की, हमने खूब मेहनत की, उसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिली, तो ऐसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपन बात करते हैं कि आखिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों पर और कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट, वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्स। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर आपने अच्छे से मेहनत की, खूब पढ़ाई की, उसके बावजूद भी तुम्हें जॉब नहीं मिली, तो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत एक तरीके से वेस्ट हो गई। सेकंड, पीपल हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। तो जो लोग हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट बन सकते थे वे एक लायबिलिटी में बदल जाते हैं। थर्ड, पीपल बिकम होपलेस एंड डिप्रेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोग होपलेस हो जाते हैं, यहाँ पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फोर्थ, पीपल आर कंपेल्ड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट टू डू द वर्क दे डू नॉट वांट टू डू, मतलब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के चलते वो काम करना पड़ता है जो काम वो करना नहीं चाहते। फिफ्थ, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हमारे देश की इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास अच्छी जॉब नहीं होती इसलिए वो अच्छा अर्न भी नहीं कर पाते और ना ही सोसाइटी को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाते, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। सो यहाँ पर
अपना चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी क्लास 10th की और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।